नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज फिर आज दोस्तों आप सभी के सामने एक नए वीडियो में एक नए आइटम के साथ। आज आपके लिए लेके आए दोस्तों बेस की कैबिनेट, आरसीएफ मॉडल की दोस्तों बेस की कैबिनेट है, पेंट फिनिश में ड्यूल 18 इंच का बेस की कैबिनेट है। तो आज मैं आपको बेस की कैबिनेट के बारे में बताऊंगा, साथ में इसका प्राइस भी जानेंगे। और दोस्तों इस कैबिनेट के अंदर हम दो स्पीकर भी फिट करेंगे 18 इंच के 1000 वाट के, और साउंड टेस्टिंग भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहे, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, इस तरह की और वीडियो आपको मिले, और डीजे के आइटम के आपके रेट पता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। फटाफट दोस्तों आज मैं आपको बेस की कैबिनेट दिखा देता हूं, इसकी फिनिशिंग और इसके बारे में बताया। कैबिनेट है जो कि पेंट फिनिश में है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ है दोस्तों। मैं आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं इस कैबिनेट की, दाने पेंट में दोस्तों ये कैबिनेट है। दोस्तों ये हमारी कैबिनेट की फिनिशिंग है, पेंट फिनिश बहुत ही बढ़िया दाने में है, बहुत अच्छी मोटी दाने हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है दोस्तों ये। जहां बात करें दोस्तों इसकी प्लाई की, तो 18mm की प्योर 18mm की प्लाई है, बहुत ही हैवी बेस कैबिनेट है, प्योर 18mm की प्लाई में दोस्तों ये कैबिनेट बनी हुई है। आरसीएफ मॉडल का कैबिनेट है। आज मैं आपको साइड व्यू दे देता हूँ इस कैबिनेट की। फिनिशिंग आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया दाने में है। और वजन की बात करें दोस्तों तो बहुत ही हैवी कैबिनेट है ये, काफ़ी हैवी कैबिनेट है। फिनिशिंग आप खुद देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग में है दोस्तों। अगर इसकी हैंडल की बात करें तो दो हैंडल है इसके अंदर, और जो कि हमने स्टार शेप में इसके अंदर बनवा रखा है, क्योंकि जो लोहे की हैंडल होती है या आरसीएफ की हैंडल होती है उनमें वाइब्रेशन के टाइम पर आवाज़ें आती है। अब इसमें आवाज़ नहीं आएगी, वाइब्रेशन के टाइम पे दोस्तों हैंडल में से आवाज़ आने लगती है। ये लकड़ी की दोस्तों इसके अंदर फिटिंग है ये, तो इसमें से आवाज़ नहीं आएगी, आप चाहे कितना ही बेस खोल लो आपकी कैबिनेट में से आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों ये हमारी कैबिनेट है, आपने कैबिनेट देख लिया दोस्तों पूरा, ड्यूल 18 इंच 18mm प्लाई हैवी कैबिनेट दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, बहुत बढ़िया। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 4 फुट की कैबिनेट है ये, 4 फुट है। और इसकी गहराई की बात करें तो दोस्तों 28 इंच की इसकी गहराई है। इस तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ से लास्ट तक ये 28 इंच है, और अगर आप इसका फ्रंट नापते हैं तो 4 फुट का फ्रंट है दोस्तों ये पूरा। तो दोस्तों काफ़ी गहराई और चौड़ाई में है ये, तो बेस बहुत अच्छी बनेगी इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया बेस की साउंड आने वाली है। तो दोस्तों फटाफट आ जाओ इसके अंदर, अब हम स्पीकर फिटिंग करने जा रहे हैं, तो स्पीकर फिट करके मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों हम ओपन करने जा रहे हैं, इसकी फ्रंट जाली खोलेंगे अभी, फिर मैं आपको इसके अंदर की प्लाई भी दिखाऊँगा, फिटिंग भी दिखाऊँगा, इंस्टॉलेशन भी दिखाऊँगा दोस्तों कैसे होगी, और साथ में देखेंगे दोस्तों इसके अंदर की फिनिशिंग कैसी है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों ये हमारी कैबिनेट है, एम्प्टी कैबिनेट है, जो कि हमने इसको ओपन कर ली है, इसकी फ्रंट जाली हटा ली है। अब मैं दोस्तों इसके अंदर की फ़िटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हमें दिखती है वो ये है कि फ़िटिंग जितने भी कॉर्नर हैं इन सबको बढ़िया से पेस्ट किया गया है। यहाँ पर एक लकड़ी का अलग से हमने सपोर्ट देके और साथ में इसको फेविकॉल से पूरा फिल करके पेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों जितने भी जॉइंट है सभी जॉइंटों को बहुत अच्छी तरीके से फिल किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जॉइंट है, और जॉइंट पे फेविकॉल लगा के फिर अच्छे से इसको पेस्ट किया हुआ है। एक जॉइंट ये है दोस्तों, और ये जितने भी कॉर्नर और जितने भी जॉइंट है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सभी जॉइंटों को अच्छे से पेस्ट किया हुआ है। इधर भी जॉइंट है दोस्तों, इसको भी बढ़िया तरीके से पेस्ट किया हुआ है, जिससे जॉइंट खुले ना। और जहाँ दोस्तों इसकी सपोर्ट की बात करें तो हमें सपोर्ट यहाँ देखने को मिलती है, एक सपोर्ट ये भी है दोस्तों, और यहाँ पे भी सपोर्ट है दोस्तों, ये भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भी सपोर्ट है। तो अंदर से काफ़ी सारा सपोर्ट, और प्योर 18mm की प्लाई है दोस्तों, ये 18mm की प्लाई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे फ्रेश की प्लाई है 18mm की। और ये जो दोस्तों आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये एयर पास के लिए दे रखा है दोस्तों, एयर वेंटिलेशन के लिए दे रखा है, यहाँ से जो बेस की एयर बनेगी वो यहाँ से बाहर आएंगी सेंटर से, बाकी पूरा बेस फुल पैक है हर तरफ से, और कहीं से एयर निकलने का ऑप्शन नहीं है। जो सेंटर है दोस्तों यहाँ सेंटर से इसकी एयर निकलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
यहाँ से एयर पास होगा बेस का। और दोस्तों जहाँ बात करें इसकी सपोर्ट की, तो आप देख पा रहे हैं सपोर्ट बहुत अच्छा है, दोनों साइड बहुत बढ़िया सपोर्ट के साथ बना हुआ है कैबिनेट, और काफ़ी हैवी कैबिनेट है दोस्तों ये। तो कैबिनेट में मुझे कोई शिकायत नज़र नहीं आ रही है, कैबिनेट ठीक है। और दोस्तों ये जो आप वाइट कलर का फॉर्म देख रहे हैं साइड में, ये साउंड को ऑब्जर्व करने के लिए लगा हुआ है, जो ज़्यादा साउंड हो तो कैबिनेट पे इसका असर ना पड़े। तो दोस्तों आज फटाफट इसके अंदर हम दो 18 इंच के स्पीकर फिट करने जा रहे हैं, फटाफट फिट कर लेते हैं, फिर आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये हज़ार वाट के दो स्पीकर है जो कि हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, दो स्पीकर फिट करने वाले हैं, हज़ार वाट के स्पीकर है दोस्तों ये, 220 मैगनेट 4 इंची वॉइस कॉयल है दोस्तों इसकी। जहाँ बात करें दोस्तों इसकी स्पाइडर की, तो ड्यूल स्पाइडर और रिंग में है ये, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट स्पाइडर ये है, सेकंड स्पाइडर पिंक कलर का आपको नीचे दिख रहा होगा, और साथ में ये ब्लैक कलर का रिंग दिख रहा होगा आपको। कनेक्शन वायर की बात करें तो दोस्तों कनेक्शन वायर ब्लैक एंड रेड कलर का बहुत अच्छी वायर में कनेक्शन वायर है, स्पीकर कनेक्शन वायर। और साथ में दोस्तों स्पीकर कनेक्शन के लिए यहाँ पे सॉकेट दिए हुए हैं, इसके थ्रू हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो आ जाओ दोस्तों फटाफट इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों स्पीकर हमने फिट कर दिए हैं, इसमें हज़ार वाट के दो स्पीकर लगाए हैं 18 इंच के। दोनों स्पीकर फिट हो चुके हैं दोस्तों, अब इसके साउंड टेस्टिंग करने की बारी है, अब आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। तो दोस्तों हमने फिट कर लिया स्पीकर इसके अंदर, स्पीकर हमारे फिट हो चुके हैं, बेस हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ वायरिंग वगैरह सब कर ली, एम्पलीफायर और मिक्सर की, अब फटाफट मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। We'll be right back.
वीडियो में मैंने आपको साउंड भी टेस्ट कराया 18 इंच की बेस की, जो कि ड्यूल आरसीएफ मॉडल की बेस है, 1000+ 1000 वाट के बेस है दोस्तों। और बात करें इसकी प्राइस की, 8500 रुपए का दोस्तों ये कैबिनेट है। और बात करें इसके स्पीकर की प्राइस की, तो 6500+ 6500 रुपए इसके स्पीकर लगे हुए हैं, जो कि दो स्पीकर लगे हुए हैं। तो कंप्लीट बेस की अगर बात करें दोस्तों, तो 21500 रुपए का कंप्लीट बेस हमारा तैयार हुआ है, जो कि दोस्तों प्योर 18mm प्लाई की कैबिनेट है। ये काफी हैवी और दमदार कैबिनेट है, आपने देखी ली होगी वीडियो में। पेंट फिनिश बेस है दोस्तों और वाटरप्रूफ पेंट है इस पे, पानी में इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और इस तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इस तरीके एक नई वीडियो में एक नए आइटम के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।